أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़क़हु क़ौली। हमारी गुफ्तगू आयत नंबर 114 के ज़ेल में चल रही थी और आयत का ये टुकड़ा आदि आयत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم। तो यहाँ तक وسعى في خرابها तक हमने इसका मफहूम जो समझ में आया था वो बयान किया कि कौन हैं इन लोगों से ज़्यादा ज़ालिम जो मसाजिद में खुदा के ज़िक्र से मना करते हैं और उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सा सही उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, सही यानी कोशिश करना। और ख़राब का भी हमने माना बयान किया कि दो माना हो सकते हैं, उसको हमने बयान किया, एक फिज़िकली ख़राब करना, एक ये है कि उसको मौतल कर देना इबादत से। ये भी बेमंजिला ये है कि मस्जिद को ख़राब किया। उसके बाद ये जो आयत है ये बहुत ज़्यादा वाज़े नहीं है, इसका तर्जुमा तो हम कर देते हैं और जो इसकी एहतमालात बयान किए हैं वो भी बयान कर दें कि ओलाय का माँ कान लहुम अयत खुलूहा इल्ला खाइफीन। ओलाय का यानि ये अफराद, ओलाय का इशारा है, अरबी में बहुत सारे अल्फाज इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओलाय का यानि ये लोग, कौन से लोग? जो जुल्म करने वाले हैं, जो मस्जिद में जिक्र खुदा से रोकने वाले हैं। उलाय का माँ काना, ये माँ माए नेगेटिव मनफी मानों में है, माँ काना लहुम अयत खुलूहा कि उन लोगों के लिए नहीं है कि वो इसमें दाखिल हो, मगर किस हालत में? इल्ला खाइफीन, मगर खौफ की हालत में। ये जो टुकड़ा है अब ये तो हमने तर्जुमा कर दिया, अब यहाँ पर इसका क्या माना हो सकता है? दो एहतमाल साहिब ज़ुब्दतु तफासीर ने बयान किए हैं कि ये फतुल्ला काशानी जो हमारे शिया मुफसरीन में से थे उन्होंने इसको दो एहतमालात बयान किए कि यूँ बयान किया उन्होंने, मा कानल हक अयतुलहा इल्ला खाइफीन मिनल मोमिनीन अयबतुशुहा बिहिम अयबतुशु बिहिम, के उनका हक नहीं है कि वो मस्जिद में दाखिल हो, मगर ये कि मोमिनीन से हालत खौफ में हो। यबतुशु बिहिम यानि मोमिनीन इनके ऊपर दायरा तंग कर दे, मुश्किल खड़ी कर दे, और वो जो है वो ज़िक्र खुदा से मना ना कर सके। एक एहतमाल। दूसरा एहतमाल, ज़ाहिर ये एहतमालात है और ये दो एहतमाल भी मुमकिन है ग़लत एहतमाल हो, यानी चूँकि एहतमाल का मतलब होता है पॉसिबिलिटी कि शायद ये माना हो और शायद जो है वो शायद जो है
ये माना और शायद ये हो कि मा कान लहुम फी इल्मिल्लाह तआला व क़ज़ाइही, यानी खुदावंद मुताल के इल्म में और खुदा की कज़ा व कद्र ये है कि वो कुफार जो है वो खुदावंद मुताल जो है वो मोमिनीन की नुसरत और मस्जिद से उनको खाली करेगा और खुदा अपने वादे को पूरा करने वाला है। गोया खुदावंद मुताल का वादा है कि उनको इस मस्जिद के इख्तियार से उनको छीन लेगा, ये एक और एक माना किया गया है। और एक तीसरा माना जो मसलन फुकहा के फतावा भी हैं, अब आगे सिस्तानी क्या फरमाते हैं, ज़ाहिरन एहतियात वाजिब है कि उनको मस्जिद से जो वो कि उनको मस्जिद में ले जाना ज़ाहिरन एहतियात वाजिब के बिना पर जायज़ नहीं है। या यहाँ पर जो माना हो सकता है वो ये कि मस्जिद में जाने से उनको रोकना, जैसे रिवायत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फतेह मक्का के बाद कि उन्होंने जो है वो ऐलान किया था कि अब जो है वो कोई मुशरिक जो वो हज के लिए नहीं आएगा, जो चूँकि मुशरिकीन भी जो वो खाने काबा और मस्जिदुल हराम में आते थे, तो उन्होंने जो वो मुनादी के ज़रिए से निदा दी थी कि अब कोई भी जो है वो मुशरिक जो वो हज के लिए नहीं आएगा और खाने काबा का चूँकि बरहना होकर वो लोग तवाफ़ करते थे और कोई भी आज के बाद बरहना होकर तवाफ़ नहीं करेगा, तो मुमकिन है ये उसकी तरफ इशारा हो। बहरहाल जो है वो मुलाहिज़ा फरमाया आपने कि क़ुरान की मसलन आयात मुजमल है बाज़ औक़ात बाज़ एतबार से, जैसा कि हमने अक्सर इस नुक्ते की तरफ इशारा किया, यानी कोई ज़ुहूर नहीं है इसका बहुत ज़्यादा। बहुत अगर इसका ज़ाहरी माना देखें तो क्या है कि वो लोग जो कि मस्जिद में दाखिल नहीं होंगे मगर हालत खौफ में, अब ये ज़रूरी तो नहीं है हालत खौफ में वो मस्जिद में दाखिल हों, लिहाजा इसका ज़ाहरी माना जो वो खिलाफ विजदान है, यानी विजदान यानी खिलाफ ज़ाहिर है, ज़ाहिर में ऐसा तो नहीं होता है कि जो मस्जिद में ज़िक्र से वो कुफार के जो मस्जिद के मस्जिद में ज़िक्र से रोकते हैं मोमिनीन को, वो जब मस्जिद में आए तो हालत खौफ में आए, नहीं ज़रूरी ऐसा नहीं है। लिहाजा अब इस आयत का जो वो क्या जो वो माना हकीकी है, बहरहाल खुदावंद मुताल बेहतर जानता है। ये चंद एहतमालात थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, इन मुशरिकीन के लिए इन कुफार के लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। दुनिया में रुसवाई है, इसका भी जो माना साहिब तफसीर ज़ुब्दतुल तफासिर ने किया है कि या तो मसलन मुशरिकी ने मक्का को कत्ल कर दिया जाए कैद या कैद कर दिया जाए, या जिल्लत और रुसवाई के साथ उनसे टैक्स जिजिया वगैरह लिया जाए, जो इसकी शराइत है अपने मकाम पर फिकही किताबों में, और आखिरत में उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। और ये तो बहुत ही वाज़े है नुक्ता। खूब उसके बाद आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आयत नंबर 15, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फअयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाहि इन्नल्लाहा वासिउन अलीम। खूब इसका ज़ाहिरी तर्जुमा क्या है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह के लिए ही मशरिक और मगरिब है। ये
मशरिक और मगरिब, ईस्ट और वेस्ट, अल्लाह के लिए ईस्ट और वेस्ट है। यानी क्या मतलब, यानी अब इसके जो है वो मुफस्सरीन जो बयान करते हैं कि ये ईस्ट और वेस्ट जो है वो दो डायरेक्शंस को बयान किया गया है, लेकिन मुराद दो डायरेक्शन नहीं है ख़ास ईस्ट और वेस्ट, बल्कि इशारा ये है कि खुदावंद मुताल के लिए जो है वो कोई ख़ास जगह मखसूस नहीं है। खुद आगे की आयत बयान करती है अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब, यानी खुदा हर जगह मौजूद है। तो जो कि आपने मशरिक और मगरिब ये अलबाबे समझाने के लिए वेस्ट और ईस्ट, और इसको इससे मुराद ये है कि खुदा खुदा के लिए कोई ख़ास जहत नहीं है, या कोई ख़ास अल्लाह के लिए ही मशरिक और मगरिब है, हर जगह खुदावंद मुताल है। तो इंशाल्लाह इसकी वजाहत आगे जाके बयान करते हैं। फ़ाइनमा, पस जिस तरफ भी तुवल्लू तुम अपने चेहरे को करो, ऐनमा मकान के लिए आता है, मशरिक मगरिब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी तरफ भी तुम अपना वजह तवल्लू यानि रुख करो, फ़ाइनमा तुवल्लू जिस तरफ भी तुम रुख करो, फसम्मा वजहुल्ला खुदा जो कि वहाँ पर मौजूद है, यानी तुमने गोया खुदा की तरफ तवज्जो की। अब ये जो है वो अब इसके तफसीर में भी चंद एहतमालात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक एहतमाल जो इन्होंने बयान किया साहिब ज़ुबदतु तफासीर ने कि अगर तुम्हें मस्जिदुल हराम या मस्जिद अक्सा में अगर तुम्हें नमाज पढ़ने से रोके तो ज़मीन पे जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो, कोई इश्काल नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। और ये माना खिलाफ ज़ाहिर है, ऐनमा तुवल्लू यानि तुम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहीं पर भी चेहरा रुक करके नमाज पढ़ो, वहाँ पर जो वो खुदा जो को मौजूद है। तो जबकि ये जो इन्होंने माना किया, इन्होंने माना किया कि नहीं मस्जिदुल हराम की तरफ ही रोक करके नमाज पढ़ना है, लेकिन ज़मीन में अगर तुम्हें कहीं पे अगर रोक दिया जाए, मिसाल के तो फलां मस्जिद में नहीं जा सकते हो, मस्जिदुल हराम में नहीं जा सकते हो, तो घर से भी अगर तुम नमाज पढ़ोगे या कहीं से भी नमाज पढ़ोगे तो तुम अपना रुख अगर काबे की तरफ रख कर लो तो यहाँ जो वो खुदावंद मुताल तक इबादत पहुँच जाएगी और खुदा की तरफ जो वो तवज्जो कहलाएगी। तो ये ज़ाहिरन जो ये पहला वाला माना जो वो खिलाफ ज़ाहिर समझ में आता है। और दूसरा एहतमाल क्या है, दूसरा एहतमाल ये है कि ये मुस्तहब नमाजों के लिए आयत नाजिल हुई है, मुस्तहब नमाजों के लिए कि इंसान हालत सफ़र में जो है वो जहाँ भी जिस तरफ भी उसका रुख हो मुस्तहब नमाज में। मसला शरी भी यही है, फुकहा भी यही बयान करते हैं और रिवायत भी इसमें मौजूद है हमारे पास कि मुस्तहब नमाज में इंसान अगर खाने काबा को अगर पुश्त भी हो रही हो तो मुस्तहब नमाज में इश्काल नहीं है, मुश्किल नहीं है मुस्तहब नमाज में इंसान, चूँकि किबले की रियायत करना मुस्तहब नमाज में जब वो हालत हरकत में हो। हाँ, ये याद रहे, ऐसा नहीं कि मुस्तहब नमाज जो है वो अगर हम अपने घर या हरम में हैं और हमें काबे किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा तो हम किसी भी तरफ रुक करके नमाज पढ़ लें। अब तवज्जो करें, यहाँ पर जो बाज़ लोग कुरान 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 से कुरान से इस्तेफादा करना चाहते हैं, अब इस किस्म की आयात मुश्किल आयतें हैं, बग़ैर रिवायात के, बग़ैर फतावा फ़ुक़हा के जो है वो हम इस तरह कुरान की आयत पर जो वो अमल नहीं कर सकते हैं। और मुमकिन है कल जो वो कोई शख्स किसी फ़िक़्ही ग्रुप में जो कोई ये आयत को भेज दे और कहे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 115 में कहा कि जिस तरफ भी मशरिक़ व मगरिब खुदा की तरह खुदा के लिए है, जिस तरफ भी रुक करके रुक कर लो उस तरफ खुदा है, तो बस जो को नमाज भी हर तरफ हो जानी चाहिए। अब इस किस्म के जो वो रोशन फिक्र अफराद जो वो इस तरीके से इस्तेदलालात
को लेकर आते हैं। मुमकिन है कि आप सोशल मीडिया पे कभी किसी खतीब या किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो कुरान की इस आयत से ये इस्तेदलाल पेश करें, तो इस तरीके से जो को हम परेशान ना हो जाया करें। हमें जो को फकाहा के फतावा मालूम होना चाहिए, और वो फकाहा के जो रिवायात है, कुरान की आयात और रिवायात जिनके सामने है और जिसको देख कर मुश्तहिद फतवा देता है, अला ये हाल। बस खूब ये तो वाजह है कि मुस्तहब नमाज में जो वो इंसान हालत सफर में किबले की शर्त नहीं है, किबले की शर्त नहीं है, न किबले की शर्त है, न सुकून की शर्त है कि जो नमाज में शर्त है कि नमाज इंसान हालत हरकत में ना पढ़े, लेकिन मुस्तहब नमाज में ये शर्त नहीं है। और इशारा करना भी मुस्तहब नमाज में जायज़ है, यानी मुस्तहब नमाज में तीन एग्जेम्पशन हैं। पहला ये कि किबले की शर्त ख़त्म हो जाती है, दूसरी हरकत जो वो माफ़ हो जाती है, और तीसरा ये कि इशारे से रुकू और सजदा हालत इख्तियारी में भी इंसान के लिए जायज़ हो जाता है। ये तीन सिर्फ एक्सेप्शन है। अब ये नहीं कि बाज़ ख़वातीन सवाल करती कि हम बगैर हिजाब के भी कर लें नमाज़ पढ़ लें, बगैर वुजू के भी पढ़ लें, तो ये सारी सार पूरा पूरी की पूरी शायद तमाम की तमाम फिक्स साकित नहीं हो गई, शराइत साकित नहीं हो गई, बल्कि ये सिर्फ तीन चीज़ें हैं। बहरहाल ये ज़मीनी तौर पर जो हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, बस ये जो है वो एक एहतमाल ये है। अगरचे किसी ने ये एहतमाल नहीं दिया जो अभी हमारे जहन में है, अब इसमें कहाँ आया कि नमाज के लिए है? आयत में तो कहीं नहीं आया। दुरुस्त है कि ये किबले की गुफ्तगू आगे चली है और आगे भी होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आयत जो को नमाज से रिलेटेड है। ये नहीं देखा हमने कि किसी ने ये जो को एहतमाल दिया है, यानी जितनी हमने थोड़ी बहुत तफासिर देखी, बल्कि आमतौर पर जो वो चंद एहतमालात बयान किए हैं, तो बज़ाहिर जो है वो ये आयत में नहीं, खुदा की तरफ इंसान तवज्जो करना चाहता है, जिस तरफ भी रुक करके तवज्जो करें खूब खुदा की तरफ तवज्जो हो जाएगी, खुदा से गुफ्तगू हो जाएगी, खुदा से दुआ हो जाएगी। दुआ के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किबला रुख होकर, अगर से आदाब दुआ में बयान किया गया है कि इंसान किबला रुख होकर दुआ करे, लेकिन अब यह आयत जो बयान करती है कि जिस तरफ भी तुम चेहरा करो फसम वजहुल्लाह है, वहां पर खुदावंद मुताल की तरह खुदावंद मुताल की जात है, यानी खुदा के लिए किसी कोई मकान मुअय्यन नहीं है, मखसूस नहीं है, वो हर जगह मौजूद है। हो, और इस जेल में जो कि वो एक रिवायत भी मुफसरीन बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खैबर से वापस मदीने की तरफ पलट रहे थे, तो चूंकि जो वो मक्के मक्का जो को पुश्त के ऊपर था और मदीना आगे की तरफ था, तो उन्होंने जो को अपनी सवारी पर जो मुस्तहब नमाज को अंजाम दिया था। और ये दुरुस्त है, कोई इश्काल नहीं है। अब आया, हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम की रिवायत नहीं देखी मैंने कि फ़ाइन तवल्लु फ़सम्मा वजहल्लाहि में, अगर मुस्तहब नमाज के लिए इमाम ने, अगर ऐसा होता तो ज़ाहिर मुफसरीन बयान करते, लेकिन नहीं देखी मैंने ऐसी कोई रिवायत, तो वही जो हमने जो एहतमाल दिया कि शायद मुमकिन है ये रिवायत, ये असल आयत नमाज से ताल्लुक ही ना रखती हो, क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं आया है कि नमाज के लिए है ये आयत। हो, इन्नल्लाहा वासिउन अलीम, वासे जो है वो क्या माना है इसको देख लेते हैं। इन्नल्लाहा वासिउन अलीम, अब इन्नल्लाहा वासे 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 उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वसीउ वसीउ अरीज, खुदा वसीउ अरीज है, ये कहना चाह रही आयत नहीं है, ये आयत नहीं कहना चाह रही है खुदा वसीउ अरीज है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा जिस नहीं रखता है, बल्कि क्या मतलब है वासिउन? अब जो मुफसरी ने बयान किया कि दो एहतमालात इन्होंने साहिब ज़ुब्दतु तफासिर ने बयान किए,
एक ही के इन्नल्लाह वासिउन बि इहातिही बिल अशिया व औ बि रहमतिही, कि खुदावंद मुताल जो है वो तमाम अशिया को इहाता करता है, तमाम अशिया उसके अंडर में हैं, तमाम अशिया को वो वुसअत किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, या उसकी रहमत जो वो घेरे हुए हैं। ये एक माना। दूसरा एक माना कि यूरीदु तौसिया अला इबादिही, तौसिया यानि रिलैक्सेशन, आसानी, कि खुदा ने मुताल जो कि अपने बंदों के ऊपर जो कि वो आसानी करार देने वाला है। खूब ये माना जो कि वो ये बहुत जो है वो आयत के साथ साजगार है। क्यों आयत के साथ साजगार है? क्योंकि अगर एक खास जगह की तरफ, अगर खुदा की तरफ मुतवज्जे होना हो, तो ये एक जो है वो अब चाहे नमाज से मुस्तहब नमाजी के नमाज के एतबार से हो, या खुदा की तरफ तवज्जो करने के एतबार से हो, खुदा से दुआ करने के एतबार से, अगर एक खास तरफ अगर तवज्जो करना हो, तो बहरहाल ये एक बहरहाल एक जीक है, एक जहमत है। सही ना? दुरुस्त है कि वाजिब नमाज में जो हुक्म खुदा है उसको फॉलो करना है। हम ये कहें कि इन्नल्लाह वासिउन अलीम, खुदा का ऐसा कोई हुक्म नहीं हो सकता। नहीं, खुद कुरान में ये कहा है कि खुदा ने मुताल सूरह जो वो बकरा की आयत नंबर 144-150 में, कि खाने काबा की तरफ जो वो तुम रुक करके नमाज पढ़ो, तो तवज्जो फरमाए आपने। बस वासिउन तौसिया, पर ये तौसिया का माना जो कि वो एक अच्छा माना है, कि यानि तौसिया यानि रिलैक्सेशन देना, आसाइश देना, आसानी देना। खुदा अपने बंदों के ऊपर जो कि वो आसानी अता करता है, तौसिया अता करता है। और सिर्फ इस एहतमाल की बिना पर कि ये वासे तौसिया के मानों में और आयत के साथ भी मैच हो रहा है, तो ये साबित नहीं कर देगा कि ये जो हम माना कर रहे हैं यही माना है। मुमकिन है वासे का माना वो हो जो हमने पहले एहतमाल बयान किया, कि खुदा तमाम चीज़ों के ऊपर इहाता रखता है। और ये भी ये बात ये एहतमाल भी जो वो इस आयत के साथ साजगार है कि तवज्जो करें, या ये भी जो आयत के साथ साजगार है कि खुदा तमाम चीज़ों के ऊपर इहाता रखता है, यानी खुदा हर जगह मौजूद है, यानी हर चीज़ जो खुदा के अहाते में, खुदा के तहत कुदरत में है, और खुद कोई जगह कोई मकान खुदा की जगह खुदा से खाली नहीं है। अब ये माना भी जगह वो दुरुस्त हो सकता है, इसके ऊपर फिट हो सकता है। बस इन्नल्लाह वासिउन और अलीमुन, अलीमुन यानी खुदा जो कि वो बंदगान खुदा की मसलहत और उनके आमाल को जानने वाला है, कि वो जिस मकान में जहां पर भी है और जिस तरफ भी वो जो मसल। अब ये यूं है, दो माना इन्होंने किए हैं, अलीमुन भी मसालेहिम के बंदों की मसलहत किस चीज़ में है, बंदे के लिए जो वो अच्छा, क्योंकि हर हुक्म जो वो खुदा के बंदे की मसलहत में है, तो खुदा जो वो जानता है कि बंदे की मसलहत में क्या है, और खुदा जानता है इंसानों के आमाल को जानता है। आप लोग जानते हैं कि बहरहाल इस किस्म की आयात से सुए इस्तेफादा करने वाले सुए इस्तेफादा करते हैं, कि मसलन जो है वो खुदा जो को इंसान की नीयतों को जानने वाला है, इंसान बुरा काम भी कर रहा होता है तो कहते हैं खुदा जो को इंसानों की नीयत को जानने वाला है। कहीं दुरुस्त है, ऐसा ही है कि खुदा जो को इंसान की नीयतों को जानने वाला है, लेकिन हम जो को बाज़ोकात जो को अपने अपने मतलब के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अला आई हाल, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हो ये आयत वाजे होगी, जिस हद तक हमने बयान किया, जिस हद तक हमारे लिए वाजे है। आयत नंबर 116, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون। और हमने जो वो 116वीं आयत शेयर की, 170वीं आयत शेयर करना भूल गए, जो उसी से रिलेटेड है, कि अब ये जो है वो इसका अब शान नुजूल तो नहीं बयान किया है, लेकिन ये बहरहाल यहूद और नसारा और मुशरिकीन अरब से जो है वो मुमकिन है आयत रिलेट करें। क्यों? इसलिए कि रिवायत की गई कि यहूदी क्या कहते हैं कि हज़रत उज़ैर जो अंबिया में से एक नबी गुजरे हैं, यहूदी हज़रत उज़ैर को जो है वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, और ईसाई जो वो हज़रत मसीह और ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, और अरब के मुशरिकीन मलाइका को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, कहते थे। हो तो
ज़ाहिरन ये बयान किया गया कि ये आयत जो उनकी शान में नाजिल हुई है, यानी अब हमारी आयत जो उनकी शान में नाजिल हुई है शायद मुस्बत मानों में इस्तेमाल होता है, कि किसी की शान में नाजिल होना यानी नहीं ये मुराद नहीं होता है, बल्कि किसी की शान में नाजिल होना यानी शान नुजूल ये है, यानी शान नुजूल ये यानी मोरिद ये है नाजिल होने का। हमारे मुस्बत मानों में इस्तेमाल किया जाता है कि किसी की शान में नाजिल होना यानी किसी की मदह में नाजिल होना, नहीं ज़रूरी नहीं है। कम से कम अरबी इस्तेमाल में, अब उर्दू इस्तेमाल अपने जगह पर इस्तेमालत है, लेकिन चूंकि बहरहाल ये कोई किसी की शान में नाजिल होना तो ये शान भी जो कोई उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है बेहसब ज़ाहिर, लिहाजा जो को वो हमने अरबी और तफासिर और रिवायतों से जो को हमने उर्दू में लेकर आ गए किसी की शान में नाजिल होना, और हम इसको मुस्बत और मदाही के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से अजर, अब अजर जो को हमेशा हम अच्छे फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जबकि अजर कुरान में भी ज़ाहिरन इस्तेमाल हुआ है कि जहन्नुम को भी, जो वो ज़ाहिरन वरना रिवायतों में भी है, बहरहाल कहीं इसको देखा है रिवायत आयत फिलहाल जो कि वो तवज्जो नहीं, लेकिन बहरहाल अजर जो को आम मानों में इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ का सज़ा या जजा। अब लफ्ज़ जजा भी जो कि वो हमने गलत इस्तेमाल किया, लेकिन समझाने के लिए सज़ा के साथ जब जजा है तो वो अच्छे मानों के लिए आता है, लेकिन खाली जजा, अब जजा का मतलब होता है जैसा करना वैसे जैसे जैसे करनी वैसे भरनी, सही ना, तो अच्छी है तो अच्छी है और बुराई है तो बुराई, जजा जो को उन मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो को बहरहाल अच्छे मानों में इस्तेमाल किया जाता है। शान भी जो को इसी तरीके से कि इसका शान नुजूल यानी मौरिद क्या है, किस शान नुजूल में यानी किस मौरिद में नाजिल हुई है, ये मतलब है ना कि किसी की मदा में आई है। हो वाला ये हाल हो वकालू, कालू यानी यही कुफार, यहूदी ईसाई मुशरिकीन अरब सबके सब हो सकते हैं, या जो है वो यहूदी और ईसाई और बनी इसराइल, क्योंकि तकरीबन जो वो मुसलसल जो वो बनी इसराइली से कनेक्टेड आयतें हैं। वकालू, और ये कुफार क्या कहते हैं, इत्तखज़ल्लाहु वलदा, पहले जो हम इसका तर्जुमा कर देते हैं आपके लिए, फिर इसकी जो वो जितनी तशरीह कर सकेंगे आज के इस मुख्तसर से वक्त में, लगता नहीं है कि आज हम इसकी ज़्यादा तशरीह कर सकें, तो ये दो आयतें सामने रखिएगा, चूँकि ये दोनों आयतें जो कि वो बेहसब ज़ाहिर जो वो इसी चीज़ को बयान कर रही है। कालू यानी ये कुफार क्या कहते हैं, इत्तखज़ल्लाहु वलदा, कि खुदावंद मुताल ने अपने लिए वलद फर्जंद को इंतखाब किया है, इत्तखज़ा यानी फर्जंद को इंतखाब किया है। अब यहाँ पर जो है वो जो मुफस्सरीन, अगर जो मुफस्सरीन में इख्तलाफ है, बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि तकरीबन 4 या 5 जवाबात कुरान दे रहा है, बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि 2 जवाबात हैं, तो लेकिन यही 2 आयतें जो पूरी हैं ये जवाबात के ऊपर मुश्तमिल मुफस्सरीन बयान करते हैं, कि इसको आने वाली गुफ्तगू में इसको बयान करेंगे। आज से हम इस आयत का तर्जुमा और इसका जो अल्फाज है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। सुबहानहू, सुबहानहू ये लफ्ज इस्तेमाल होता है सुबहानहू, खूब जब हम तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहान अल्लाह, तो सुबहान का खुद माना क्या है, सुबहान का मतलब है खुदा को तमाम उयूब से तमाम ऐब से पाक करार देना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन जवाब है इस आयत का, कैसे जवाब बनेगा ये इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में इसको डिस्कस करेंगे। सुबहानहू यानी खुदा मुनज़्ज़ा है, खुदा सुबहान तस्बीह नज़ाहा से है, नज़ा यानी मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा यानी पाक करना, पाक करना। सुबहानहू यानी खुदा की ज़ात हर ऐब से पाक है, हर ऐब से मुबर्रा है, लिहाजा इंसान जब नमाज पढ़े तो सुबहान अल्लाह है यानी खुदा तमाम ऐब से पाक है। अब तमाम ऐब में क्या क्या आता है, ऐब में जुल्म एक ऐब है, खुदा का मकान होना एक ऐब है, खुदा की लिमिटेड कर देना ये एक ऐब है, खुदावंद मुताल की ज़ात की निस्बत कि आपने उसको महदूद कर दिया, लिमिटेड कर दिया, मुनहसिर कर दिया,
तो ये खुदा की निस्बत जो कोई ये ऐब है। सुबहानहू यानी खुदा पाक व पाकीज़ा है। किस बात से पाक व पाकीज़ा है? कि वो अपने लिए औलाद को इंतखाब करें, सही ना। अब यहाँ पर जो वो किस तरीके से इस ये जो जवाब बनता है वो इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में इसको बयान करेंगे, लेकिन एक जवाब जो है ये बनता है बल लहू माफिस समावाती वल अर्ज। ये जो है वो दूसरा जवाब बयान करते हैं कि जिसकी वजह मैं जाहिर है आज तो फुर्सत नहीं कि मैं इस आयत को तफसील के साथ बयान कर सकूं, फिलहाल जो कि इसका तर्जुमा कर देते हैं बल लहू माफिस समावाती वल अर्ज, बल्कि लहू यानि लिल्लाह अल्लाह के लिए है माफ़ समावाती वल अर्ज़, जो कुछ जमीन और आसमानों में है वो खुदा के लिए है, खुदा की मिल्कियत में है। तवज्जो करें यहां पर, एक थोड़ा सा मैं टाइम लूँ आज मिल्कियत को आपकी खिदमत में समझाऊं। लहू मिल्कियत के लिए आता है यानी उसकी मिल्कियत में है सब कुछ, वो मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। शायद वहां पर मैंने मुमकिन बयान किया हो, याद नहीं है कि वो सूरह हम ने मैंने इसको बयान किया था या नहीं किया था, एहतमाल है कभी ये कि बयान किया होगा कि खुदा के लिए जो वो खुदा के लिए यानी खुदा की मिल्कियत में, खुदा की इख्तियार में सब कुछ। तवज्जो करें, मिल्कियत, आपने गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी आपकी मिल्कियत में है। आपने लिबास खरीदा, लिबास आपकी मिल्कियत में है। आपने घर खरीदा, घर आपकी मिल्कियत में है। तवज्जो किया आपने? तो जिसको हम खरीदते हैं या जो हमको तोहफे में मिलती है या किसी और जो भी जायज़ तरीका है मिल्कियत में लेने का, जिस तरीके से भी इंसान जब किसी चीज़ का मालिक बन जाता है तो इंसान की मिल्कियत में वो चीज़ आ जाती है, सही है ना। इंसान की मिल्कियत में वो चीज़ आ जाती है, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, ये हमारी मिल्कियत में है, सही है ना, ये हमारी मिल्कियत में है, यानी हम इसके मालिक हैं। जब मैं मालिक हूँ तो किसी को ले जायज़ नहीं कि वो मेरी इजाज़त के बगैर इसको इस्तेमाल करे। हत्ता बीवी बच्चे, इसी तरह बीवी बच्चों का माल, जिसकी जो मिल्कियत में है वो उसका मालिक है, सही है ना। मगर ये कुछ फिक्र में इस्तेसनात और एग्जेम्पशंस आए हैं कि कहीं कहीं जो कुछ एग्जेम्पशंस हैं वो अपने मकाम पर, लेकिन एक जनरली तौर पर ये मिल्कियत को मैं समझाने के लिए, तो ये हमारी मिल्कियत है। लेकिन हमारी मिल्कियत क्या है? हमारी मिल्कियत और खुदा की मिल्कियत में फ़र्क है, हमारी मिल्कियत और खुदा की मिल्कियत में फ़र्क है। हमारी मिल्कियत क्या है? हमारी मिल्कियत कहाँ से आई है? हमारी मिल्कियत जो है वो खरीदो फरोख से आई है। हमने एक चीज़ खरीदी तो हमारी मिल्कियत में आई। कल तक ये आपकी मिल्कियत में थी, जब आपसे मैंने ये चीज़ खरीदी तो आज मेरी मिल्कियत में है। तो इसको कहते हैं कि एक एतबारी चीज़ है, सही ना। और शरीयत ने इस एतबारी को, एतबार को, इस सपोजिशन को कबूल किया है। यानी एक सपोज है ना कि ये अभी आपने की मिल्कियत में था, मैंने आपको कुछ पैसे दिए और ये जो को मैंने चीज़ ले ली तो अब मेरी मिल्कियत में आ गई। हमने उकलाए आलम ने, तमाम लोगों ने मिलकर एक कानून बनाया। क्या कानून बनाया? कि इंसान पैसों से जो वो, या किसी भी बाटर सिस्टम या पैसों के जरिए से जो इंसान किसी चीज़ को जो वो खरीद सकता है, अपनी मिल्कियत में ले सकता है। और शरीयत ने भी जो को इसको साइन किया और इसको कबूल किया कि हाँ ये सिस्टम को मैं कबूल करता हूँ, जो उकला के दरमियान और साहिबान अकल के दरमियान जो चीज़ लोगों के दरमियान राय थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लिहाजा शरीय लिहाज से भी मैं इसका मालिक बन गया और उर्फी लिहाज से भी मैं इसका मालिक बन गया। लेकिन ये क्या है? ये एक एतबारी चीज़ है। कल तक ये आपकी मिल्कियत में थी, आज आपने मुझे तोहफा दे दिया तो ये आज मेरी मिल्कियत में है। कल तक आपकी मिल्कियत में थी, आज मैंने आपसे ये खरीद ली तो ये मेरी मिल्कियत में। लेकिन ये मिल्कियत एक एतबारी है। एतबार क्या है? यानी सपोज के उकला आलम ने और शरीयत ने भी इसको जो साइन किया है तो ये मिल्कियत जो वो काबिल इंतकाल है। खुदा की मिल्कियत ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है खुदा की मिल्कियत। जब मैंने आपको किसी चीज़ का मालिक बना दिया, आपने मुझे किसी चीज़ का मालिक बना दिया तो ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर मिल्कियत। वहाँ पर ऐसा नहीं कि खुदा मुताल ने हमें खल्क करने के बाद जो कि हमें अपने सुपुर्द कर दिया और उसकी मिल्कियत अब ख़त्म हो गई। नहीं, खुदा मुताल मालिक है, यानि खालिक है, खालिक है। और वो मेरा और मेरे तमाम अम्वाल और मेरी तमाम चीज़ों का जो कि वो मालिक और खालिक और जो वो सब कुछ वही है। तवज्जो किया आपने?
यानी उसकी मिल्कियत है, मिल्कियत तकवीनी है, मिल्कियत एतबारी नहीं है, एक एजम्पशन नहीं है, एक फर्ज नहीं है, एक सपोजिशन नहीं है उसकी मिल्कियत, बल्कि उसकी मिल्कियत हकीकी मालिक है वो। हमारी मिल्कियत हकीकी नहीं है, ओकलाए आलम ने एक तरीका बनाया, शरीयत ने उसको साइन किया, शरीयत ने उसको कबूल किया। अगर शरीयत इसको कबूल ना करती तो हम किसी चीज़ के मालिक नहीं थे, किसी चीज़ के मालिक नहीं थे। शरीयत ने जो इसको जो एक्सेप्ट किया इस कानून को, इस तरीकेकार को, तो जो हम मालिक बनते हैं। खुदावंद मुताल की मिल्कियत ऐसी नहीं है, बल्कि खुदावंद मुताल कुल कंट्रोल रखता है हर चीज उसकी, इख्तियार जमीन और आसमान में जो कुछ है वो उसका मालिक है। लहू उस खुदावंद मुताल के लिए माफ इस समावाती वाल अर्ज है, जो कुछ जमीन और आसमान में है, यानी जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहे, हयात दे, मौत दे, रिस्क ना दे, जिस किस्म का वो तसरुफ करना चाहे वो मालिक के कुल है। तवज्जो किया आपने, जिस तरीके से आपकी मिल्कियत में जो चीज़ है, खूब आपके पास मोबाइल है, आप जो उसको जमीन पर रखें या छत पर रखें या ताकिए पर रखें या कहीं पर भी रखें, खूब आपकी मिल्कियत है, आपकी मर्जी है। आप इसके ऊपर देखो ये कवर चढ़ाना चाहते हैं, ये कवर चढ़ा दें, ये स्क्रीन सेवर लगाना चाहते हैं, आपकी मिल्कियत है, आपकी मर्जी है। सही ना, मिल्कियत में इंसान के पास मर्जी होती है तसरुफ और इस्तेमाल करने की। तो खुदावंद मुताल मालिक के कुल है, हर चीज का मालिक है, हमारा भी और हमारी सारी की सारी अशिया का मालिक है। और वो मालिक मालिक के हकीकी है, मालिक हकीकी यानी वो खालिक है, इस उनवान से मालिक हकीकी है। और किसी ने उसको मिल्कियत नहीं दी है कि हाँ तू आज से मालिक बन जा खुदा हमारी चीजों का, नहीं, वो मालिक कुल है। जब खल किया है तो हर चीज का मालिक है, और हर किस्म का वो तसरुफ करना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे, जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे, लिहाजा उसकी मिल्कियत मिल्कियत हकीकी है। लिहाजा कुरान की आयत क्या बयान करे, लहू मा फिस समावाती, उसी खुदावंद मुताल के लिए है मा, मा यानी जो कुछ, फिस समावाती वल अर्ज़, जो कुछ जमीन और आसमान में है, जो कुछ जिसके ऊपर भी जो कुछ का इतलाक हो, जिसको भी जो कुछ कहा जाए। अरबी में दो लफ्ज आते हैं, मीम अलिफ मा और मीम नून मन। मा जो कुछ, मा जो कोई अरब में इस्तेमाल किया जाए, जो कुछ गैर जी शऊर के लिए है और मन जी शऊर के लिए है, यानी जो अक्ल और शऊर रखता है उसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है मन। कौन कौन शामिल है इसमें, इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, ये तीन खुदावंद मुताल की मखलूक है जो जी शऊर है। जो गैर जी शऊर है उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है मा, यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हो मा। अच्छा, अरबी अदब में मा जो है वो मुतलक मानों में भी आता है, और यहां पर बेहसब जाहिर मुतलक मानू में, मुतलक यानी जी शऊर और गैर जी शऊर सब के लिए आया है ये। माफी समावत खुदा जो जमीन और आसमान में है उन सब का मालिक है, उसी की मिल्कियत में है, यानी चाहे वो जी शऊर हो चाहे वो जी शऊर ना हो, सब का सब देखो उसकी उसके लिए। लहू माफी समावती वाल अर्ज़े, दो कुल लहू कानितून। अभी मैं सिर्फ आयत की तर्जुमा बयान कर रहा हूं, ये जवाब किस तरह बनेगा उन कुफार के लिए कि जिन्होंने कहा कि खुदा ने मुताल ने अपने लिए औलाद को इंतखाब किया है, ये इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में। लेकिन ये तीसरा जवाब जो बाज मुफसरी ने बयान किया, ये तीसरा जवाब है कुल्लुन लहू कानितून। कुल्लुन लहू सब के सब, सब के सब। अब ये सब के सब जाहिरन वही माफी समावाती वाल अर्जे वाले हैं, कुल्लुन लहू सब के सब अल्लाह सुबहान व ताला के कानित है। कानित जो वो किस, कानित का माना क्या है, कुनूत, हम कुनूत कहते हैं ना, कुनूत, कुनूत जो है वो इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुनूत का माना अल्लाह की इबादत करना, यानी सब के सब खुदा के मुती हैं। खुदा ने मुताल ये जो आयत इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमुनस्सलाह, यानी अल्लाह तुम्हारा वली है, सबसे पहला वली अल्लाह सुबहान व तआला है, यानी वली यानी जिसकी विलायत है,
जिसकी अथॉरिटी है, जिसका इख्तियार है, जिसकी इताअत है, जिसकी फॉलोइंग है, जिसके सामने सर तस्लीम खम महज करना है जो वो हुक्म दे। अगर वो हुक्म दे कि तुम अपनी एक टांग उठाकर पूरी जिंदगी खड़े रहो, हुक्म को जो को वो फॉलो करना, जो को वो वली है, वो विलायत रखता है, वो हर चीज उसकी इताअत में है, हर चीज उसकी इबादत में है, हर चीज जो को उसकी विलायत में है, तो कुल्लु लहु कानितून, हर चीज जो वो खुदावंद मुताल की सामने खाजे और खाशे है। होप इंशाल्लाह 117वीं जो आयत है वो भी इसी से रिलेटेड है कि इंशाल्लाह इन तीन पांचों ये चार दो आयतों में जो पांच दलीलों के तौर पर पेश किया गया है किस तरीके से दलील बनती है, और 117वीं आयत जो उसका क्या तर्जुमा है, वो इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन 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 व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।